अब रुख करते हैं खबरों का। मुंबई से गोवा जा रहे एक लग्जरी क्रूज पर एनसीबी की टीम ने देर रात छापेमार कार्रवाई की है। बता दें, कॉर्डेलिया द एम्प्रेस के इस वर्ल्ड क्लास क्रूज पर रेप पार्टी चल रही थी। जिस वक्त एनसीबी ने छापा मारा, उस वक्त पार्टी में 600 लोग शामिल थे। एनसीबी ने 3 लड़कियों समेत 13 लोगों को हिरासत में लिया है। एनसीबी सूत्रों की माने तो बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान के बेटे आर्यन भी उस क्रूज पर मौजूद थे। यहां यह रेप पार्टी चल रही थी। हालांकि अभी तक ये स्पष्ट नहीं है कि उन्होंने ड्रग्स ली थी या नहीं। हिरासत में लिए गए 13 लोगों में से 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस मामले में दिल्ली से आई लड़कियों को भी हिरासत में लिया गया है, जो बड़े कारोबारियों की बेटी बताई जा रही है। एनसीबी ने रेप पार्टी के ऑर्गेनाइजर से को भी पूछताछ के लिए बुलाया है। एनसीबी को सूचना मिली थी कि पार्टी में ड्रग सर्व की जा रही है। एनसीबी के अफसर पैसेंजर बनकर क्रूज पर सवार हो गए। शनिवार को रेप पार्टी चलते वक्त ही उन्होंने रेड मारी। अब तक जो जानकारी सामने आई है उसके मुताबिक शिप से भारी मात्रा में ड्रग बरामद हुई है। इसकी कीमत करोड़ों में बताई जा रही है। एनसीबी के सूत्रों के मुताबिक अभी तक इन नामी एक्टर की गिरफ्तारी पर कोई फैसला नहीं किया गया है, क्योंकि मामले की जांच की जा रही है। वहीं आपको बता दें कि अधिकारियों ने बताया कि अभी एक्टर के बेटे के फोन में मैसेज देखे जा रहे हैं। बता दें कि एनसीबी छापेमारी के दौरान क्रूज पर करीब 600 हाई प्रोफाइल लोग मौजूद थे, जबकि इस वर्ल्ड क्लास क्रूज की क्षमता करीब 1800 लोगों की है।